गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन पढ़ेंगे 3.9 राइटिंग स्किल। स्किल मतलब आप में कोई हुनर होती है। कुछ बच्चों में क्या होता है, बहुत अच्छे लिखते हैं और कुछ बच्चे बोलते हैं, सब में का कोई अच्छा खेलता है। ओके, सम ऑफ द स्किल्स, आप में कोई हुनर होती है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइटिंग स्किल, लिखने की कला ये करेंगे। रीड एंड अंडरस्टैंड, आपको ये पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है, यानी समझना है। हाउ टू क्रिएट सोप बबल्स, अभी हम यहाँ पे सोप का बबल्स किस तरह बनाना है ये सीखेंगे। ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि सोप का बबल्स क्या कैसे किया जाता है। ओके, ना यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है आपको कैसे करना है, हम लोग करते अभी। थिंग्स की क्या ज़रूरत, कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी सोप बबल्स बनाने में। सी ओ या हाफ अ स्पून ऑफ डिटर्जेंट पाउडर, आधा चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर मतलब मम्मी जिससे कपड़ा धोती है, भिगोती है सर्फ से, तो वो आधा चम्मच लेना है आपको। हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, आधा ग्लास पानी लेना है। वन शीट ऑफ पेपर, एक शीट पेपर लेना है, और सेलो टेप, फिर सेलो टेप और अ स्पून टू स्टर, एक चम्मच घुमाने के लिए। अभी मेथड देखिए किस तरह सोप बबल्स बनाया जा सकता है, उसका मेथड है, तरीका यहाँ पे बताया है। हैड हाफ अ स्पून ऑफ डिटर्जेंट पाउडर इन अ ग्लास ऑफ अ वाटर, यानी आधा चम्मच डिटर्जेंट पाउडर लेना है, सर्फ लेना है, उसको आधा ग्लास पानी जो है उसमें मिलाना है। ओके, रोल द शीट ऑफ द पेपर टू मेक अ स्ट्रॉ। रोल अ शीट ऑफ पेपर मतलब यहाँ शीट ऑफ पेपर लोग ने क्या करने के लिए इस्तेमाल किया, स्ट्रॉ बनाने के लिए। आप जूस वगैरह पीते तो आपको स्ट्रॉ मिलता है ना, उसमें वैसा लो स्ट्रॉ खुद से बनाने के लिए पेपर ऑफ शीट लिया है। नहीं तो अगर घर में आपके पास स्ट्रॉ है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो रोल अगर नहीं है तो पेपर लेके ऐसा रोल करके एक स्ट्रॉ की तरह बनाना है, और फिर उसको सेलो टेप से चिपकाना है ताकि स्ट्रॉ बना रहे वैसे। फिक्स द स्ट्रॉ यूजिंग द सेलो टेप। ओके, डिप वन हैंड ऑफ द पेपर स्ट्रॉ इन द सोप वाटर मिक्सचर, ब्लो हेयर थ्रू अदर ड्राई हैंड ऑफ द पेपर स्ट्रॉ। मतलब फिर क्या करना है, स्ट्रॉ बनने के बाद स्ट्रॉ को हमें एक साइड का स्ट्रॉ को जो पानी जो हमने लिया है, आधा ग्लास पानी में आधा चम्मच सर्फ पाउडर डाला है, उसके अंदर डिप करना है, और दूसरा हैंड जो है वो मुँह से उसमें फूंक मारना है, ब्लो करना है, हेयर को ब्लो करना है। तो तब क्या होता है, बबल्स, वो जो सर्फ का डिटर्जेंट पाउडर का जो लिक्विड है उसमें बबल्स क्रिएट होंगे। ओके, यू विल सी सोप बबल्स बीइंग फॉर्म। तो इस तरह सोप बबल्स किए जा सकते हैं। आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा बबल्स बनाने के लिए किस तरह सोप लिक्विड से बनाया जाता है, तो ये तरीका इसमें बताया गया है। ओके, नाउ सी, नाउ राइट इंस्ट्रक्शन टू मेक अ लेमनेड। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू राइट द मेथड इन योर नोटबुक। यहाँ पे हमें लेमनेड कैसा बनाना है ये वो सिखाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको किताब में किताब नोटबुक लेके इसमें लिखना है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सी, जूस बनाने के लिए थिंग्स यू नीड, लेमनेड मतलब जूस होता है, नींबू से बनाया हुआ जूस, लेमनेड। जूस ऑफ हाफ अ लेमन, अभी आधा नींबू लेना है। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक बोलते हैं, और पिंच ऑफ सॉल्ट। टू स्पूंस ऑफ शुगर, दो चम्मच शक्कर और एक ग्लास पानी। जूस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देखिए, आधा नींबू, नींबू चाहिए, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट चाहिए, दो चम्मच शक्कर चाहिए, और एक ग्लास पानी। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पानी में मिलाएंगे। ओके, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, टू स्पून ऑफ शुगर डालेंगे, पानी डालेंगे, और लेमन को हम लोग स्क्वीज करेंगे, निचोड़ेंगे उसमें, और उसको फिर अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि वो शुगर जो है डाले हुए वो सारे मिक्स हो जाए और जूस आपका मीठा हो जाए। इसके बाद वो ग्लास में डाल के आपको पीना है। ओके, दिस इज़ हाउ टू मेक अ लेमनेड, जूस बनाना। नाउ सी ओवर हियर अनदर, रीड हैंड अंडरस्टैंड, अभी क्या पढ़ के हमें समझना है देखिए। फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ,
आई लाइक टू ईट एप्पल्स मैंगोज ग्रेप्स पाइनएप्पल्स पियर्स एंड गावर्स ईटिंग फूड्स विल बी कीप यू स्ट्रॉन्ग हेल्थी एंड एक्टिव। यहाँ कुछ चीज़ें आपको बताए गए कि आपको फ्रूट्स खाना है, फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए आपके अच्छे हेल्थ के लिए फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों को एप्पल्स अच्छे लगते हैं, कुछ को मैंगोस ग्रेप्स पाइनएप्पल पियर्स पसंद है, किसी को गावर्स पसंद है, किसी को वाटरमेलन बनाना, जो भी हो अपनी अपनी पसंद होती है, जो भी फूड खाना है वो उसको बच्चे लोग खाते रहना चाहिए। ईटिंग फूड्स विल कीप यू स्ट्रांग, क्या करेगा आपको स्ट्रांग रखेगा, हेल्दी रखेगा और एक्टिव, आप कोई भी काम स्फूर्ति से कर सकते ओके दिस इज टू बी हेल्दी। तो हेल्दी खाने के लिए हेल्दी फूड होना चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए। हेल्दी जो फूड मतलब जो मम्मा घर में बनाती है वो, और फ्रूट्स इवन द फ्रेश वेजिटेबल्स जो है कुकुम्बर है टोमेटोस है रॉ ये सब खा सकते हैं वो भी, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। ना अ कोमा, दिस इज सी, इसको कोमा बोलते हैं, इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स ऑफ सेम सीरीज एंड गिव ए सॉफ्ट पॉज। मतलब ये कोमा का इस्तेमाल हम कभी करते हैं टू सेपरेट वर्ड्स ऑफ सेम सीरीज, एक ही जैसे सीरीज के वर्ड्स को ये करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड गिव अ सॉफ्ट पॉज, पॉज मतलब थोड़ा सा रुकते हैं हम, फुल स्टॉप में कैसे थोड़ा रुक जाते हैं, इसमें एक हल्का सा थोड़ा सा रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं ओके। अभी यहाँ पे लोग ने सॉफ्ट पॉज करके बस कॉमा दिया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है वाइल रीडिंग फुल स्टॉप, देन यू हैव टू स्टॉप फॉर वाइल यू लिस्ट, लेट्स लिस्ट डाउन द थिंग्स इन आवर क्लासरूम यूजिंग कॉमर्स। अभी हम लोग क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होते यूज़ करते आपको पता है, ब्लैक बोर्ड कॉमा टेबल कॉमा, मतलब ये सब जो क्लासरूम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जब हम एक के पीछे एक लिखते जाते हैं तो बाजू में उसको ब्रेक करते हैं, उन शब्दों को थोड़ा देर के लिए नहीं करते पॉज करते हैं कॉमा से, जैसे ब्लैक बोर्ड कॉमा टेबल कॉमा, उसके बाद चेयर का इस्तेमाल होता है कॉमा, बेंचेस इस्तेमाल होते हैं कॉमा, चौक होते हैं कॉमा ऐसे, और लास्ट में हम लोग एंड डालते, लेकिन तब तक हम लोग कॉमा कॉमा डाल के ऐड करते जाते। दिस इज व्हाट द इट इज, आप लोगों को समझ में आया होगा, फ्रूट्स खाना चाहिए टू बी हेल्दी, कॉमा का इस्तेमाल कब करना चाहिए ये बताया गया है, टू सेपरेट वर्ड दो चीज़ों को अलग करने के, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है टेबल है इसको अलग करने के लिए हम लोग एक कॉमा डालते हैं, एक छोटा सा पॉज लेते हैं थोड़ा सा रुकते फिर बोलते हैं ओके। फिर अभी टेबल के बाद चेयर होगा तो फिर से हम लोग थोड़ा पॉज लेंगे फिर बोलेंगे, तो कॉमा का किस तरह इस्तेमाल करना है वी लर्न दैट ओके। एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द सोप बबल्स, सोप बबल्स किस तरह प्रिपेयर की कर सकते हैं ये हमने सीखा है, और दूसरा है लेमनेड जूस, लेमन से जूस कैसे बनाया जाता है ये सीखा है। यू कैन ट्राई विथ योर हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स ओके, अपने पेरेंट्स की मदद से आप हेल्प, उनके पेरेंट्स मदद लेके आप कर सकते ओके। थैंक यू।